सो फाइनली दोस्तों, अपनी इंडियन वाइज स्ट्रेंथ डी गेम का न्यू अपडेट आ चुका है। न्यू अपडेट में हमर कार, जेसीबी, न्यू स्कॉर्पियो, पुलिस स्टेशन, न्यू आरजीबी हाउस, न्यू कार शोरूम, न्यू मेगा रैम चैलेंज एंड कुछ ऐसे चीट कोड भी देखने को मिले हैं, जिनको टाइप करके डायल करने के बाद में हमें अपने गेम में पुलिस बलोरो कार भी देखने को मिलेगी और एलिफेंट भी देखने को मिलेगा, जो की आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं सभी को अपने गेम की न्यू अपडेट की चीट कोड शेयर कर देता हूं, फिर हम पुलिस स्टेशन के कस्टमाइज और फीचर के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमारा गेम का करेक्टर जेल के अंदर कैसे जा सकेगा, इसका चीट कोड क्या होने वाला है। तो न्यू अपडेट का फर्स्ट चीट कोड है, जैसे ही हम अपने फोन में 8880 मतलब 8880 टाइप करके डायल करेंगे, हमें अपने गेम में हमर कार देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अपने गेम की न्यू अपडेट में हमर कार को एड कर दिया गया है, जिसका चीट कोड 8880 है। जैसे टाइप करके डायल करेंगे हमें अपने गेम में ये हमर कार देखने को मिलने वाली है। तो आप सभी देख सकते हैं ये हमर कार अपने गेम में कितनी रियलिस्टिक लग रही है और ये अपने गेम की फर्स्ट कार है, जो कि काफी यूनिक है। चलिए बात करते हैं अगला चीट कोड क्या होने वाला है। अगला चीट कोड है दोस्तों 6677 मतलब 6677। जैसे ही टाइप करके डायल करेंगे हमें अपने गेम में जेसीबी देखने को मिलेगी, जो की कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इस जेसीबी की कस्टमाइज के बारे में, तो इस जेसीबी का हम कस्टमाइज नहीं कर सकते, जैसे कि कलर कस्टम, तो कलर कस्टम का ऑप्शन इस जेसीबी के अंदर ऐड नहीं दिया गया है। अगर आप इस कस्टमाइज के ऑप्शन को आने वाली न्यू अपडेट के अंदर ऐड करवाना चाहते हैं तो जेसीबी कलर ओपी, जेसीबी कलर ओपी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना दोस्तों। और जेसीबी को कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कंट्रोल्स दिए गए हैं, इनके माध्यम से हम इस जेसीबी को कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा फील होता है तब हम इसको राइडिंग ड्राइविंग करते हैं, रियलिस्टिक जेसीबी की तरह फील होता है दोस्तों। चलो दोस्तों, आप सभी को आगे मैं ये भी बताता हूँ, आप सभी अपने गेम में इस जेसीबी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कंप्लीट, और इस जेसीबी को नाइट मोड में कैसे इसकी लाइट को ऑन कर सकते हैं, ये भी आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को न्यू आल चिट कोड शेयर कर देता हूँ। अगला चिट कोड है दोस्तों 444। जैसे टाइप करके डायल करेंगे अपने गेम में हमें न्यू स्कॉर्पियो देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो पहले वाली स्कॉर्पियो थी उसको अपग्रेड कर दिया गया है, अब आप सभी को टॉप मोड में S11 देखने को मिलने वाली है। इसके फ्रंट वाले एरिया में RGS लोगो को भी ऐड कर दिया गया है और इसकी खास फीचर बात ये है दोस्तों, इसको हम कलर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे पहले वाली स्कॉर्पियो को भी कलर कस्टमाइज कर सकते थे, लेकिन दोस्तों पहले वाली RGB कलर में नहीं हो पाती थी और ये RGB कलर में कस्टमाइज हो सकेगी। तो आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, मैंने न्यू वाली स्कॉर्पियो को जैसे ही RGB कलर में कस्टमाइज किया तो ये कितनी ऑसम लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है, आप सभी को कैसी लगी। एंड इसके अलावा दोस्तों, आप सभी अपने गेम में क्लासिक वाली को भी RGB कलर में कस्टमाइज कर सकेंगे, उसको भी अपग्रेड कर दिया है न्यू अपडेट में दोस्तों, जिसका चिट कोड है 333 मतलब 333। जैसी टाइप करके डायल करेंगे अपने गेम में न्यू क्लासिक स्कॉर्पियो देखने को मिलेगी, इसका भी हम RGB कलर में कर सकेंगे और ये भी इसी की तरह देखने को मिलेगी। तो आप सभी को ये न्यू स्कॉर्पियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। और आप सभी कॉमेंट कर रहे थे कि भैया ओल्ड थार का चिट कोड क्या है, ओल्ड थार को हम अपने गेम में वापस कैसे ले, जो कि आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं आपकी काफी डिमांड आ रही थी ओल्ड थार को। चलो आपको इसके बारे में भी बता देता हूं, आप अपने गेम में इसको कैसे ले सकेंगे, इसका चीट कोड आया है या फिर नहीं। तो दोस्तों ओल्ड वाले थार की बात ये है, अभी उसको अपने गेम के न्यू अपडेट में एड नहीं किया गया, लेकिन आपको नेक्स्ट अपडेट में वो देखने को मिलेगी, कन्फर्म कर दिया गया है और उसका वर्किंग भी ऑन हो चुका है। और आप सभी इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना, आप सभी आने वाली न्यू अपडेट में और कौन सी न्यू कार को एड करवा चाहते हैं, उसकी ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दीजिए दोस्तों। अब आप सभी को बताने वाला हूं दोस्तों, इस अपडेट में हमें कोई न्यू बाइक क्यों नहीं देखने को मिली। बात ऐसी है दोस्तों, आप सभी ने इस जो न्यू अपडेट आया है इसके अंदर आपने कोई डिमांड नहीं की थी कि भाई इस बाइक को ऐड किया जाए। अगर आप भी आने वाले न्यू अपडेट में कोई न्यू बाइक को ऐड करवाना चाहते हैं, जो की आपकी फेवरेट है और अपने गेम के अंदर अभी तक ऐड नहीं की गई है, तो आप इस वीडियो में कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं उसकी। आप जिस बाइक को आने वाले न्यू अपडेट में ऐड करवाना चाहते हैं उसके नेम के पीछे ओपी कमेंट ड्रॉप कर देना और आने वाले अपडेट में उस बाइक को भी अपने गेम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। क्या दोस्तों आप सभी को पता है, फाइनली अपने 1 मिलियन फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और ये सब कुछ हो पाया है आप सभी के प्यार सपोर्ट से। तो सबसे पहले आप सभी को थैंक यू, लव यू सो मच, और भाई मेरे पास कोई शब्द नहीं है आप सभी से क्या बोलूं, बस मैं यही बोलना चाहूंगा आप सभी का प्यार सपोर्ट ऐसा ही बना रहे और मैं आप सभी को ऐसे गेम के अपडेट देता रहूं। आप सभी हमेशा हैप्पी रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे।
और दोस्तों अपने गेम के न्यू अपडेट में हमें पुलिस स्टेशन देखने को मिला है, जो कि कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। अंदर से इसके व्यू की बात की जाए तो अंदर से हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है, और साथ ही हमें भाई जेल भी देखने को मिला है। आप सभी देख सकते हैं साइड में जेल भी देखने को मिल चुकी है, और आप सभी को बताना चाहता हूँ आप सभी इस प्रकार से जेल के अंदर कैसे जा सकते हैं। चलो आपको ये भी बता देता हूँ आप सभी अपने गेम के करेक्टर को जेल के अंदर कैसे ले जा सकते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ रिसेंटली अपडेट में ऐड हुआ न्यू हाउस का न्यू आरजीबी कलर को कैसे ऑन करें, जो कि आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। चलो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप सभी को अपना फोन बाहर निकालना है, आरजीएस टूल पर जाना है और यहाँ पर टाइप करना है HOUSE। जी हाँ दोस्तों, हाउस, फिर इसके बाद में आपको टाइप करना है COLOR, और इसके बाद में टाइप करने के बाद में आपको RGB ये टाइप कर देना है। और टाइप करने के बाद में जैसे ही राइट पर क्लिक करेंगे तो आप सभी देख सकते हैं अपने न्यू हाउस का न्यू आरजीबी कलर चेंज हो चुका है, ऐड भी हो चुका है। तो आप सभी को ये अपने गेम का न्यू अपडेट का न्यू हाउस आरजीबी कलर कैसा लगा, और दोस्तों इस न्यू हाउस के अंदर जो हमें टीवी देखने को मिलता है इसको ऑन कैसे करें, इसका चीट कोड क्या है। तो दोस्तों अभी इस टीवी को ऑन नहीं किया गया है, वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इस अपडेट के अंदर किसी ने डिमांड नहीं की थी ना ही कॉमेंट की थी। तो अगर आप आने वाले अपडेट में इस टीवी को ऑन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में सबसे ज्यादा कॉमेंट करना टीवी ऑन ओपी, टीवी ऑन ओपी। आपकी ज्यादा कॉमेंट रही और अच्छी डिमांड रही तो आने वाले न्यू अपडेट में इस न्यू हाउस की टीवी को ऑन कर दिया जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपने गेम के करेक्टर को इस जेल के अंदर कुछ इस प्रकार से कैसे ले जा सकते हैं, उसकी ट्रिक क्या है, चीट कोड क्या होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, एक कार को स्पॉन करा लेना है। स्पॉन कराने के बाद में उस कार पे राइडिंग के लिए बैठ जाना है, और फिर हमें उस जगह पर आना है जहाँ हमें जेल की दीवार देखने को मिलती है, बाहर वाले एरिया पर आ जाना है। और जैसे ही आप सभी इस एरिया पे आएंगे तो आप सभी को उस कार को इस दीवार के कुछ इस प्रकार से चिपका देना है, उस जगह से चिपकाना है जिस जगह से अपने गेम का करेक्टर बैठा हो, उस वाली साइड से चिपकाना है इस वाली दीवार को। चिपकाने के बाद में अपने गेम के करेक्टर को कार से लेफ्ट लेना है, मतलब बाहर निकल जाना है। जैसे आप सभी अपने कार से बाहर निकलेंगे तो अपने गेम का करेक्टर कुछ इस प्रकार से जेल के अंदर आ जाएगा, जैसे कि भाई कोई कैदी बन चुका हो, आप सभी देख सकते हैं। और बाहर निकलने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली उसी जगह पर जाना है जहां से हम लेफ्ट हुए थे, मतलब उस कार से उस जगह पे जाएंगे तो कार का ऑप्शन आ जाएगा और उस पर क्लिक करने के बाद में अपने गेम का करेक्टर वापिस उस कार के अंदर बैठ जाएगा, फिर हम बाहर आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। और बात करें दोस्तों इस पुलिस स्टेशन के अंदर हमें पुलिस क्यों नहीं देखने को मिलती, क्या पुलिस का कोई चीट कोड है जिसको टाइप करने के बाद में हमें पुलिस देखने को मिलने वाली है? तो दोस्तों ऐसा कोई भी चीट कोड नहीं दिया गया है, अभी इस पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस को ऐड नहीं किया गया है। तो आप भी अपने गेम के आने वाले न्यू अपडेट में इस पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस को ऐड करवाना चाहते हैं जैसे कि जेल को ऐड कर दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से पुलिस को भी ऐड करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में सबसे ज्यादा कॉमेंट कर देना दोस्तों, पुलिस ओपी, पुलिस स्टेशन ओपी, ऐसे कॉमेंट कर देना तो आने वाले अपडेट में आप सभी को इस पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस भी देखने को मिल जाएगी। और बात करें दोस्तों अपने गेम के न्यू अपडेट में और हमें नया क्या देखने को मिला है, तो दोस्तों और अपने गेम के न्यू अपडेट में हमें न्यू कार शोरूम देखने को मिला है, जो कि कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। और अपने गेम में ओल्ड वाला कार शोरूम था, वो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता था। और आप सभी देख सकते हैं न्यू अपडेट में जो कार शोरूम ऐड किया गया है उसके जस्ट पास में हमें ट्री भी देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं और काफी रियलिस्टिक फील हो रहा है दोस्तों इनको देखकर। और ये कार शोरूम अंदर से हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जो कि काफी बिग कर दिया है पहले से ज्यादा। और दोस्तों अपने गेम के न्यू अपडेट में हमें न्यू मेगा रैम चैलेंज देखने को मिले हैं, जो कि ये वाली लोकेशन पर देखने को मिले हैं। इनकी संख्या 2 है, एक तो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाला है और एक हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। दोनों न्यू मेगा रैम काफी अच्छे हैं और काफी कठिन भी है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है, अगर आप ट्राई करेंगे तो काफी इजी तरीके से आसानी से इनको पार कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों आप सभी अपने गेम में एलिफेंट को कैसे ले सकते हैं, साथ ही पुलिस ब्लरों को कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आप सभी को नेक्स्ट अपडेट में मिल सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, इनकी कॉमेंट करनी है। अगर आप ज्यादा डिमांड रखेंगे इनकी और ज्यादा कॉमेंट करेंगे तो ये भी आपको नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिल जाएंगे, तो जल्दी जल्दी कॉमेंट कर दीजिए। अगर आने वाले अपडेट में एड करवाना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी कॉमेंट कर दीजिए, एलिफेंट ओपी, एलिफेंट ओपी, पुलिस ब्लरो ओपी, पुलिस ब्लरो ओपी, तो इनको भी नेक्स्ट अपडेट में ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों आप सभी को इस न्यू अपडेट में सबसे अच्छा क्या लगा उसकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई। सभी को ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना प्यार सा लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब। और हाँ आप सभी अपने गेम के आने वाले
न्यू अपडेट में और क्या नया ऐड करवाना चाहते हैं तो आप सभी उसकी कमेंट कर सकते हैं, उसको भी ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन आप सभी को जल्दी जल्दी कमेंट करने होंगे इसी वीडियो में, तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से जल्दी नेक्स्ट अपडेट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर ऑल।